साथियों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हूं। दोस्तों, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, बट समस्या हमारी ये है कि आज हमारी सोच ही नहीं जाती कुछ बड़ा करने का। बस हम वही 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 एक ही तरह के थॉट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो आज के थॉट है वो प्रीवियस यानी कल के थॉट के 98% थॉट सेम आज रिपीट होते हैं, यानी कि केवल 2% थॉट ऐसे होते हैं जो हमारे नए होते हैं। तो अगर आज आप अच्छा सोचना शुरू नहीं करोगे तो आपके पास कल जो थॉट आएंगे वो भी आज के ही टाइप के सिमिलर होंगे 98%, और वो 2% थॉट को कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं कि एक दिन में एक व्यक्ति के पास 60,000 विचार आते हैं। तो अब आप कल्पना करो कि अगर आपके पास 60,000 विचार एक दिन में आते हैं और वही वही थॉट है, तो उसमें से 2% थॉट आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? तो उसके लिए अपने डे टू डे लाइफ के थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। जो आज तक करते आए हो उसमें कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, उसमें कुछ नया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले मैं भी सुनता था, लोग बोलते थे कि जो तू सोच सकता है वो कर सकता है, लेकिन मेरा भी विचार वैसा ही था। क्या यार, सुबह जो सोचा शाम तक पूरा नहीं होता है, और जो सोच सकता हूं वो कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो भी आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, बट समस्या ये है कि हमारी सोच ही नहीं जाती वहां तक जहां तक हम पहुंच सकते हैं। और कई बार हमारी सोच डेवलप भी होती है तो आज जितनी औकात है उससे हजार गुना लंबी, हजार गुना बड़ी सोच आ जाती है, और वो सोच डेफिनेटली वो सोच पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज अगर आपकी औकात है 1 रुपए की, तो आप हार्डली 1 रुपया 10 पैसे का चीज सोच सकते हो और उसको अट्रैक्ट करके अपनी जिंदगी में ला सकते हो। लेकिन औकात अगर 1 रुपए की है और सोचोगे कि 100 रुपए का काम कर दो, तो वो जरा मुश्किल हो जाता है, और उसी चीज में आदमी को फेलियर्स आता है और इसीलिए आदमी डिसअपॉइंट होता है। क्योंकि औकात है 1 की सोच लिया 100, अब पॉसिबिलिटी कैसे है, खूब हार्ड स्ट्रेच कर लो तो 10 गुना तक आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, बट 100 गुना 1000 गुना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार इसीलिए हम लोग फेल हो जाते हैं कि या तो कुछ सोचते नहीं है, या फिर सोचते भी है तो इतना बड़ा सोच लेते हैं कि जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपकी सोच है, अगर आपकी औकात आज है 1000 रुपए की चीज की, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए का सोचो, ताकि आप उसको आसानी से हासिल कर सको। और जब आप 1100 हासिल कर लो, फिर अपने आप को स्ट्रेच करो कि 1200 कैसे किया जाए, फिर ऐसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलो। कई बार होता है कि लोग शुरू में ही टॉप पे जाना चाहते हैं। अरे कैसे पॉसिबल है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, सीढ़ी नहीं लगाओगे, तब तक डायरेक्ट छलांग मार के गलती से पहुंच भी गए टॉप पे, तो वहां से ऐसे गिरोगे कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहता हूं कि जितनी भी कैपेसिटी है उससे एक स्टेप आगे चढ़ने का सोचिए, और एक एक स्टेप करके आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, एक पिता और एक छोटे से बच्चे का। फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गए रहते हैं, एक मंदिर पे चढ़ाई रहता है जिसमें कि 600-700 सीढ़ियां रहती है, जिसको चढ़ना रहता है, सीढ़ी समझते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ना रहता है 600-700। तो उसके पिता जब बोलते हैं कि बेटा देख, यहां से वहां तक जाना है, और तू बोल पैदल पैदल नहीं जा सकता है तो यहीं से सवारी कर लेते हैं और उसपे जाएंगे हम लोग। छोटा बच्चा रहता है, एक्साइटेड रहता है, ये मैं तो पहुंच जाऊंगा, मैं तो दौड़ दौड़ के चला जाऊंगा। वो बोलता है नहीं पापा, जरूरत नहीं है, हम पैदल ही चले जाएंगे, कंफर्टेबल है, पैदल ही चले जाएंगे। पिता ने 2 बार पूछा कि बेटा चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी सवारी कर लेता है तेरे लिए, ताकि बीच में जाकर तकलीफ ना हो। तो उस बच्चे ने एक्साइटमेंट में बोला कि नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। अब जर्नी शुरू कर लिया, चढ़ते गए। आधे दूर तक जाने के बाद बच्चा धीरे धीरे सरेंडर बोलने लगा, 5-10 स्टेप और चढ़ा, उसके बाद बैठ गया वहीं पे, बोला पापा अब नहीं।
अब तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी तक आधा ही चढ़ाई पूरा किया हूं और मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। तब पिता हैरान हुए, बोले अब क्या करूं, या तो इसको छोड़ के नीचे जाऊं या इसको लेके ऊपर जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, अब उसके साथ नीचे भी नहीं आ सकता, जितना नीचे आने में समय लगेगा एफर्ट लगेगा उतना ही ऊपर जाने में लगेगा और ये ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर उसके पिता के दिमाग में एक चीज आया कि बेटा इतना सीढ़ी चढ़ना तो मुश्किल है, यानी कि आधे दूर तो हम जैसे तैसे खींच खाच के थक हार के पहुंच गए, बट यहां से मुझे भी लग रहा है कि ये आधे दूर की चढ़ाई मुश्किल है, बट एक गेम खेलते हैं बेटा, इतना तो मुश्किल है, इतना तो मुझे भी मालूम है कि नहीं चढ़ सकते, लेकिन क्या एक सीढ़ी आगे चढ़ सकता है। बच्चा खुश हुआ, बोले पिता ने क्या बोला, आधा दूर की चढ़ाई मुश्किल है वो मुझे भी लग रहा है, बट एक सीढ़ी तो मैं यूं ही चढ़ जाऊंगा। तो बोले ठीक है पिता, ये लीजिए बेटा एक सीढ़ी और चढ़ सकते, ये लीजिए। ऐसा कर करके पिता ने उसको मोटिवेट किया और वो बच्चा एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी करके पूरी चढ़ाई चढ़ गया। तो दोस्तों ये हमारे माइंड का खेल है, हमारा माइंड भी जब कोई बड़ा चीज देख लेता है और उसको मुश्किल लगने लगता है तो वो तुरंत गिव अप करता है, इसको आगे पीछे की कुछ कहानी समझ में नहीं आती, इसको तो यही लगता है कि बाप रे इतना बड़ा अचीव करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, मुझसे ना हो पाएगा, और जब ऐसा सोचता है और तुरंत गिव अप कर देता है तो वहां पर मोटिवेशन की जरूरत होती है, वहां पर इंस्पिरेशन की जरूरत होती है कि एक कदम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम सब जिस स्टेप पे अटके हुए हैं वहां से हमें केवल एक स्टेप ऊपर जाने का प्रयास करना है, और ये एक स्टेप ऊपर जाने का प्रयास करना है और इसी को अपनी हैबिट बनाना है ताकि जिंदगी आसान हो सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जहां पर भी हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्टकनेस है, आप जहां पर भी अटके हुए हो, वहां से अब इस वीडियो को देखने के बाद एक स्टेप आगे जाने का प्रयास करोगे, और एक स्टेप आगे जाने के बाद और एक अगला स्टेप और एक अगला स्टेप, कभी भी भूल से एक बार में सारा चीज अचीव करने का कोशिश मत करना, फेल हो जाओगे 100% मैं बोलता हूं कि फेल हो जाओगे। तो फेल नहीं होना चाहते हो तो एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप आगे जाओ, और ये एक एक स्टेप करके हम सभी को अपने टारगेट को अचीव करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये थॉट आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।